नमस्कार दोस्तों, पांचवा टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 का किया ऐलान। अब इन 11 शेरों के साथ पांचवे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा उतरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवे टेस्ट मुकाबले को लेकर। और ऐसे में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी भारतीय टीम चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड टीम को 5 विकेट से हराकर सीरीज पूरी तरह से अपने नाम कर लिया है। अब यहां पर पांचवा टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी तरीके से अपना टीम को चेंज कर दिया है। और जो खिलाड़ी चौथे मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित, सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा करके उनकी जगह पर 4 दिग्गज खिलाड़ियों को एंट्री कराई गई है, जो उनके आ जाने से हमारे भारतीय टीम का प्लेइंग 11 बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका है। आखिर पांचवे टेस्ट मैच में किस प्रकार के प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड को कुचलने के लिए उतरने वाले हैं कप्तान रोहित शर्मा, आज की इस वीडियो में इसी को लेकर बताने वाला हूं। और पांचवा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से हमें देखने को मिलेगा, यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप सब भी भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अपने वीडियो की शुरुआत कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हमें देखने को मिल रही है, और ऐसे में हमारी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से हरा करके सीरीज पर कब्जा कर लिया है। और अब यहाँ पर इंग्लैंड अपना आखिरी मुकाबला यानी कि पांचवा मुकाबला खेलने वाली है, और इसको खेलने के बाद इंग्लैंड की टीम अपने स्वदेश लौट जाएगी। और आप सबको मैं बता दूं कि पांचवा टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसे ऐसे धुरंधर को शामिल किया है जो यहां पर इंग्लैंड टीम के काफी पसीने छूटने लगे हैं। और यहां पर मैं बता दूं कि पांचवे टेस्ट को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा किस प्रकार के प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, यह तो इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि पांचवा मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूं कि पांचवा टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर 7 मार्च से 11 मार्च तक खेला जाएगा, और यह सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। आप इसे टीवी पर देखना चाहते हैं तो डीडी फ्री डिश पर, डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, तो वहीं मोबाइल पर जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। अब यहां पर बात करें कि पांचवे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए किस प्रकार के प्लेइंग 11 के साथ चेंजेस किए हैं इंग्लैंड को कुचलने के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपने प्लेइंग 11 को लेकर बात कर लेता हूं। तो दोस्तों अगर ओपनिंग बैटल की बात करूं तो ओपनिंग बैटल के रूप में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, यह दोनों आप सबको फिर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं तीसरे नंबर पर सुमन गिल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, और चौथे नंबर पर रजत पाटीदार की जगह पर देवदत्त पड्डीकल को रोहित शर्मा ने शामिल किया है, और वहीं पांचवे नंबर पर सर्फराज खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं छठे नंबर पर ध्रुव जुरेल विकेटकीपर के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सातवें नंबर पर आर अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं आठवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, नौवें नंबर पर कुलदीप यादव, दसवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यही प्लेइंग 11 रहने वाली है, और इस प्लेइंग 11 के साथ ही हमारे भारतीय टीम खेलती हुई दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको यह प्लेइंग 11 कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।